इस क्वेश्चन के अंदर एक क्या गिवन है, स्क्वायर लेमिना। मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है कभी कभी उन स्टूडेंट के लिए जो बहुत जल्दी में पढ़ देते हैं। फोटो आपको यही दिखेगी स्क्वायर की, फोटो में तो स्क्वायर ही दिखेगा आपको हर क्वेश्चन में। वो पहले टाइप का क्वेश्चन ये पूछेगा, इस स्क्वायर के चार वर्टिसेस पे पॉइंट मासेस हैं, और तुम्हें लगेगा ये लेमिना है, और तुम्हें ये भी लगेगा कि ये शायद रॉड्स गिवन है, और तुम्हारे हिसाब से आंसर भी बने होंगे। उसमें मजे की बात ये है, एल लेंथ है और तुम रॉड लेके सॉल्व करके आ भी जाओगे, तुम्हें बाद में पता लगेगा रॉड तो थी नहीं, वो तो बोल रहा था कि पॉइंट मास है, पढ़ना है पॉइंट मास है, फिर रॉड नहीं है। दूसरा, वो आपको इसी फोटो में देगा चार रॉड्स हैं, अब पॉइंट मास नहीं है तो चार रॉड्स अभी किया था हमने। तीसरा, वो आपको देगा एक लेमिना है, लेमिना का मतलब यहां पर भी मास है, अब ये चार रॉड्स नहीं है। तो तीन टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, तो आपने ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है। सही है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं ये कहूँ ये एक लेमिना है, और लेमिना का अगर मैं ये बोलूँ कि ई एफ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दिखाओ, तो हमने एक स्क्वायर लेमिना का केस किया था। स्क्वायर लेमिना में हमने ऐसे किया था कि अगर मान लो ये एक स्क्वायर है, ये लो ये एक स्क्वायर है, और अगर मान लो एक्सिस सेंटर से पास होता है ऐसे, तो इसका फॉर्मूला क्या था, और इसकी लेंथ जो है वो एल है, और एल है तो एम बाई 12 इंटू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करने को बोला था, एम एल स्क्वायर बाय 6, ऐसे था। अब मेरा ये मानना है कि अगर मान लो कोई एक्सिस ऐसा है, इसके अंदर से ऐसे एक्सिस है, ये देखो ऐसा और ऐसे ऐसे, ये थोड़ा फिगर अच्छा नहीं बना द्वारा, तो एक ऐसे एक्सिस है और एक ऐसे एक्सिस है, ऐसे सच दैट ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बुकलेट देना, मतलब मैं ये बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास ये एक लैमिन है, इसके अबाउट फॉर्मूला एम एल स्क्वायर बाय 6 है, और मैंने एक्सिस कैसे लिया, एक ऐसे लिया और एक ऐसे लिया, और दोनों कैसे लिए आपस में 90 डिग्री पे लिए, तो मैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस अप्लाई कर सकता हूँ। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है कि एम एल स्क्वायर बाय 6 है, इसका आई इसके और इसके इक्वल है, और बाई सिमेट्री स्क्वायर में ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, सेम। तो अगर सोचो ये एम एल स्क्वायर बाय 6 है, तो याद करो मैंने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस सिखाई थी कि डायमीटर के अबाउट वैल्यू हाफ हो जाती है, तो या ऐसे कर लो, अगर ये एम एल स्क्वायर बाय 6 है, इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया आई है, इसके अबाउट भी आई है, तो आई प्लस आई 2 आई इज एम एल स्क्वायर बाय 6। तो ये आपके सामने ही है, मान लेता हूँ ये जो वैल्यू है इसके अबाउट मोमेंट इनर्शिया आई और इसमें भी आई, तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस के हिसाब से ये ऐसे होगा, और आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल स्क्वायर बाय 12। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, एक बार फिर से देखो, ये स्क्वायर है, एम एल स्क्वायर बाय 6 है, कोई भी दो एक्सिस परपेंडिकुलर ले लो, एक ये रहा एक ये रहा, बाई सिमेट्री इसमें आई तो इसमें भी आई, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, एम एल स्क्वायर बाय 6 इज आई प्लस आई, तो आई के अबाउट क्या आ गया, एम एल स्क्वायर बाय 12, ये आई ऐसा है ऐसा है। तो देखो ये फिगर वही है जो अभी मैंने आपको दिखाई, ये देखो ऐसी है, ये देखो, तो इसमें मैंने क्या किया, इस पेन के अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 6, एक ये ले लो एक ये ले लो, तो ऑब्वियसली इसके अबाउट क्या आ जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12, तो इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाय 12, तो इसके अबाउट कितना, थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस लगा दें, थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस में आई ए डी क्या होगा, आई ए डी इज इक्वल टू आई ई एफ प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है, एल बाई 2, तो आई ए डी इज आई ई एफ प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और ई एफ की वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ एम एल स्क्वायर बाय 12, इसे सॉल्व करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, ए डी का आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो पहले मैंने किसका निकाला, ई एफ का, थ्योरम ऑफ पैरल एक्सिस से मैंने शिफ्ट करके किसका निकाल दिया, ए डी का। अब आई ऑफ ए डी की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 3, एंड आई ऑफ ई एफ की वैल्यू एम एल स्क्वायर बाय 12, इन्हें डिवाइड कर लेना। आपसे वो यही पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ए डी के अबाउट कितने टाइम्स है ई एफ के साथ, तो इसको कैंसिल कर लेना, ये कैंसिल होके 4 आ गया, 4 टाइम्स है आंसर, 4 मार्क कर लेना।
मेथड समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हमने।